हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको जो बताने वाली हूँ जो है बालों की लेंथ। बालों को लंबा कैसे कर सकते हैं, कैसे हम घर बैठे बालों को लंबा करें। देखो, आजकल सब बच्चे तेल से कतराते हैं, तेल नहीं लगाना, ऑयल नहीं लगाना, सब बच्चे ऑयल से कतराते हैं। ठीक है, कई बच्चे होते हैं हमारे जैसे, हम बड़े हैं जिनके लेंथ नहीं बढ़ रही होती, बाल छोटे रह जाते हैं, बहुत छोटे होते हैं बाल। तो हम बालों को लंबा कैसे करें घर बैठे। देखो, आज मार्केट में हम बहुत सारे ऑयल्स आ गए हैं जिससे बाल लंबे होते हैं, लेकिन हम लगाते रहते हैं, एक बोतल लगाओ, दो बोतल लगाओ, तीन बोतल लगाओ। नॉर्मल आप सरसों का ऑयल भी यूज़ कर सकते हो, सरसों का ऑयल लगाओ नॉर्मल, सरसों के ऑयल से हमारे बाल बहुत लंबे हो जाते हैं। दूसरा, जो हम घर बैठे जो हम अपनी पेस्ट तैयार करें, कौन सी, जो हम कड़ी मेथरा होता है येलो कलर का, वो लो, उसे दो दिन भिगो कर रखिए। दो दिन हम भिगोएंगे उसे, दो दिन भिगोने से उसमें काफ़ी स्मेल आएगी, काफ़ी ज़्यादा उसमें स्मेल हो जाएगी। और उसे दो दिन भिगोने के बाद हमें उसे मिक्सी में बीट कर लेंगे। मिक्सी में बीट करने के बाद हम उसे अपने बालों में अप्लाई करेंगे। बालों में अप्लाई करने के बाद हमें उसे बालों में भी 2 घंटे रखना है। 2 घंटे बालों में रखकर उसे हम नॉर्मल पानी से वॉश कर लेंगे। तो ऐसे ही हम जो मेथरे में हमने कुछ भी ऐड नहीं करना जो, और हाँ, अगर आप जिनके बाल सफ़ेद होते हैं, सफ़ेद बालों के लिए हम उसमें आंवला रीठा का जो पाउडर मिलता है मार्केट से, या आप खुद आंवला लेकर रीठा लेकर उसे बीट करो और उसे मेथरे में डालो, मेथरे में ऐड कर लो। ऐड करने के बाद हम अपने बालों में अप्लाई करो, बालों में अप्लाई करना है 2 घंटे। तो आप ये जो मेथड मैंने आपको बताया है मेथरे वाला, उसे आप 15 दिन में 2 बार कर सकते हैं, या 15 दिन में जैसे भी आपको, जो आप जॉब वगैरह करते हो या उसे, तो आप हो सके तो 15 दिन में 2 बार, नहीं तो आप 15 दिन में 1 बार तो ज़रूर करें ही करें, जिससे आपके बालों में बहुत फ़र्क पड़ेगा और आपके बाल स्मूथ हो जाएंगे, शाइनी हो जाएंगे।